दुनिया के दो ऐसे मुल्क जो अपने शहरियों को बचाने में नाकाम हुए हैं और लगातार एक दूसरे के शहरियों पर अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी इंसानियत दहल कर रह गई है उनका नाम आजरबाइजान और अर्मीनिया है आज आर्मीनिया के वजीर आजम ने तुर्की के बारे में बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं उनका कहना है की तुर्की लगातार आजरबाइजान को खतरनाक हथियार दे रहा है क्लस्टर बम तक दे रहा है मिसाइलें दे रहा है ड्रोन दे रहा है नाजरीना ग्रामीण आर्मीनिया के वजीर आजम ने मजदीद तुर्की के ऊपर क्या क्या बातें की आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छोटी सी गुजारिश है कि इन डेवलपमेंट को जानने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे आर्मेनिया के वजीर आजम ने तुर्की के ऊपर इल्जाम लगाया है की तुर्की लीबिया सीरिया और तुर्की के अंदर ऐसी दहशत इकट्ठे करके उनको हथियार दे के की सरहद के ऊपर तैनात कर चुका है आपको ये बता दें की लगातार शहरियों के ऊपर एक दूसरे की फौजें निशाना बना रही है वो बंकर जो शहरी अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो बंकर जिसके अंदर खातिन बच्चे बुजुर्ग रह रहे थे अब दोनों मुल्कों की फौजों ने उन बंकरों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिसकी वजह ऐसी क्राइसिस मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है अर्मीनिया के वजीर आजम का ये कहना है की तुर्की लगातार आजरबाइजान को अपने फाइटर जेट मिजाइल ड्रोन बख्तरबंद और इसके साथ साथ दहशत गर्दों की रिक्रूटमेंट करके आजरबाइजान को दे रहा है ताकि वो आर्मीनिया के खिलाफ लड़ सके नाजरीन अगर बात करें बड़े मोटे अंदाज की तो आपको ये बता दें कि आर्मेनिया और आजरबाइजान के दरमियान जारी जंग की वजह से तकरीबन 25,000 लोग मारे जा चुके हैं आर्मेनिया ने आजरबाईजान और तुर्की के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया है कि तुर्की आजरबाईजान को क्लस्टर बम दे रहा है वो क्लस्टर बम लगातार आर्मीनिया के शहरियों आरोप तबाही की दास्तान रकम कर रहा है नाजरीन ग्रामी आर्मीनिया के वजीर आजम का ये भी मानना था की दो हजार अठारह ऐसी कराबाग को कब्रस्तान में तब्दील करने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थी आपको बता दें कि 2018 में तुर्की के सदर तैयब उर्दगान अजरबैजान जाकर आए थे और आर्मेनिया का ये कहना है कि उस वक्त से प्लानिंग बनाई गई और बाद में काराबाग का एक एक जरा सुनामी में तब्दील कर दिया गया और बारूद ने एक एक इंच एक एक इंच को तबाह करके कर रख दिया है नाजरीन अगर बात करें दोनों मुल्कों की अलायज की तो कुछ मुल्क जो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को जरा उनकी बात करते हैं तो तुर्की इसराइल लगातार आजरबाइजान को सपोर्ट कर रहे हैं हथियार भी दे रहे हैं जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो रशिया लगातार आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया के वजीर आजम का यह भी मानना था कि आजरबाईजान के पास तो इतनी ताकत ही नहीं है वो रशिया का एक मजाइल भी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता सिर्फ और सिर्फ तुर्की की दम पर आज आजरबाईजान एक एक जरे को आर्मेनिया के अंदर दहलाने की कोशिश कर रहा है नाजरीन आपको ये बता दें की लगातार दोनों मुल्कों की फौजें आपस में लड़ रही है किसी किस्म का कोई अमन नहीं हो रहा अगर हुआ भी है तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ नाजरीन आपको ये बता यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका रशिया चाइना कोई भी इन ममालक के दरमियान जंग बंदी की कोशिश नहीं करवा रहा इन मुल्कों को फायदा ये है कि ये मुल्क जैसे जैसे लड़ेंगे तो इनके हथियारों की दुकान जो मजीद चमकेगी बहर हाल लगातार ये दोनों मुल्क आपस में लड़ रहे हैं अर्मीनिया ने इस जंग को मजहबी जंग करार दी है और वो भी तुर्की की वजह ऐसी उसका कहना है की तुर्की इस जंग को मजहब की तरफ धिकेल रहा है जिसने दो दड़ो के अंदर दुनिया को तब्दील कर दिया है एक मुसलमान दुनिया और दूसरी ईसाई दुनिया आर्मेनिया के वजीर आजम के ये जो एलिगेशन तुर्की के ऊपर लगाए गए हैं ये किस हद हाँ तक सच साबित होते हैं ये आने वाला वक्त और आने वाले दिनों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा